स्टार्ट करते हैं 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबूब्स। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा होता ना जमा लिया था कि हाँ भाई अब हम यहीं हैं। तो अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? इट मीन्ट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। जैसे ही नवाब बने तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये था कि कंपनी को ज़्यादा पावर और अथॉरिटी, अब उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले नहीं थी। बट इट ऑल्सो मैंट समथिंग एल्स। ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। बट इसकी वजह से एक चीज़ क्या हुई कि जो भी कंपनी के सर्वेंट थे, हर एक उनको खुद को ऐसा लगने लग गया कि हम नवाबों की तरह रहेंगे। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company official. प्लासी के युद्ध के बाद जितने भी बंगाल के नवाब्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो लैंड और जितना भी पैसा उनके पास है एज कंपनी को, कंपनी ऑफिशियल्स को गिफ्ट की तरह दें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसका खुद का बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, उसका बहुत ही सही टाइम उसने देखा यहाँ पर। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 में रॉबर्ट क्लाइव मद्रास आ गया था, जिसको आजकल हम चेन्नई बोलते हैं, इंग्लैंड से, 18 की उम्र में। मैन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडिया फॉर्चून वॉज वर्थ, यानी कि इतना उसका खुद का वर्थ थी, इतना पैसा उसके पास था। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज सस्पिशन ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। यानी कि पूरा एक जर्नी दे रखी है कि क्या क्या हुआ, यानी कि किस तरह से उसने अपना खुद का खूब पैसा उसको जमा कर लिया था, उसको गवर्नर बनाया गया था बंगाल का ये सोच के कि अब जो कंपनी के अंदर करप्शन है उसको वो हटाएगा। बट 1772 में खुद पता चला, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था तो क्रॉस एग्जामिन किया गया, जिससे पता चला कि हाँ भाई ये क्या है कि यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतना पैसा कैसे है उसके पास। उसके बाद उसको पकड़ लिया था या जो भी था, लेकिन उसने 1774 में सुसाइड कर लिया था। हाउ एवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। जैसे क्लाइव ने खूब सारा पैसा कमाया था, ऐसे बाकी सारे ऑफिशियल्स ने पैसा नहीं कमाया था। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर, एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। कई ऐसे थे जो डिजीज़ की वजह से, बीमारियों की वजह से या वॉर की वजह से मर चुके थे, और ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो सब के सब करप्ट थे या डिसऑनेस्ट थे, बट बहुत सारे ऐसे थे जो लंबे टाइम तक नहीं सर्वाइव कर पाए, प्लस इतना पैसा भी नहीं कमा पाए। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर अपरमोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ। काफ़ियों की ये इच्छा थी कि इंडिया आके पैसा कमाएंगे, अच्छे से अर्न करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे और अच्छे से एक कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। जो वापस चले गए उन्होंने खूब अच्छे से अपना पैसा दिखाया, फ्लॉन्ट किया, दिखाना, शो ऑफ किया। दे वर कॉल्ड नबूब्स, एन एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। उनको नबूब बोला गया, वर्ड चेंज कर दिया गया, नवाब की जगह नबूब्स बोल दिया। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून। उनका मजाक भी उड़ाया जाता था जब कोई प्ले वगैरह चलते थे, ऐसा दिखाते थे कि ठीक है ये हैं जो गए थे पैसा कमा के आए, और कई जैसे नाटक वाटक होते थे, कार्टून्स होते थे, उनमें उनका मजाक बनाया गया था। बट दिस वाज ऑल अबाउट, जो नबूब्स लिखा है वो इसलिए लिखा है कि नवाब जो वापस लौट गए थे। ठीक है, नाउ कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का जो रूल एक्सपेंड हुआ किस तरह से हुआ। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट इमर्ज। बेसिकली अगर हम एनालाइज करें कि किस तरह से इंडियन स्टेट्स को ऐड किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जब व्यापार बढ़ाया था, तो कुछ की पॉइंट्स निकल के आएंगे। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, इंस्टीड इट यूज अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मैथड टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम।
ये बहुत ही की चीज़ है। डायरेक्टली कभी भी कहीं मिलिट्री पे अटैक, मिलिट्री अटैक नहीं किया, ये नहीं कि अपनी सेना लेके, जो पहले के लोगों का तरीका होता था नवाबों का या राजाओं का कि अपनी मिलिट्री लेके अटैक करते थे, कंपनी ने ये नहीं किया। उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड यूज़ किया। क्या या तो वो बातों में होता है ना, फूड डालो, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, बट लोगों को पॉलिटिकल वे में फंसा के या इकोनॉमिकल वे में फंसा के, डिप्लोमेटिक मेथड से कुछ कुछ चीज़ें घुमा के बोल के वो लोग क्या करते थे, अपना जो एरिया था उसको बढ़ाते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सार द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने जब बक्सार की लड़ाई हो गई थी उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया। देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये जो रेसिडेंट्स थे इनका काम क्या था कि ये देखेंगे कि कंपनी के फायदे में हो, बेसिकली कंपनी को फायदा हो उनको सर्व करना है और उनके इंटरेस्ट में डिसीजन लिए जाएंगे। थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिगेम इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट, इन रेसिडेंट्स की हेल्प से, क्योंकि ये बिल्कुल लॉयल थे कंपनी के। इन्होंने क्या किया, जो इंडियन स्टेट्स के आपसी इंटरनल अफेयर्स थे उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इन लोगों ने, कंपनी ने इन रेसिडेंट्स के थ्रू डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि कौन थ्रोन का सक्सेसर बनेगा, जो थ्रोन को संभालेगा, और कौन है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे वो रखेंगे। सम टाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इन टू अ सब्सिडरी एलियंस। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट बेसिकली ये जो था सब्सिडरी एलियंस, इसमें क्या हुआ, इसके अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, कुछ जितने भी स्टेट्स हैं जो जिनके ऊपर मतलब ब्रिटिश का नज़रें थी कि ठीक है ये है स्टेट जिसको अपने साथ लेना है या जो भी है, वो लोग ब्रिटिशर्स आर्मी को मेंटेन करके रखने के लिए पैसे देंगे या कुछ पे करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस एलियंस इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज। दोबारा से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स कि अपनी इंडिपेंडेंट फोर्सेस नहीं हो सकती, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, यानी कि वो कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। मतलब पहली बात तो उन्होंने ये हक ही ले लिया लोगों से कि उनकी खुद की आर्मी हो, ठीक है, राजाओं से जो भी उस टाइम बचे कुचे थे सबसे उन्होंने ले लिया। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, ये चीज़ बोल दी कि अगर आप अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते हो, आप हम लोगों को हायर करके रखोगे, हमारी आर्मी होगी और हमारी आर्मी को मेंटेन करके रखने के लिए आपको हमें पैसा भी देना पड़ेगा। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। और अगर इंडियन रूलर ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो उनकी टेरिटरी का जो भी पोर्शन है वो हम पेनल्टी की तरह ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वैन रिचर्ड वेलेस्ली वॉज गवर्नर जनरल, यानी जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिस टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। तो उनके टाइम पे उनके राजकाज के अंडर, रिचर्ड वेल्सली के अंडर, उन्होंने क्या करा, नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब को अपना एरिया टेरिटरी देना पड़ा था कंपनी को। एंड एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, क्योंकि वो फेल हो गए थे, उन्हें जो पैसा देना था वो नहीं दे पाए थे, ठीक है, जो पे करना था वो नहीं कर पाए थे, वही सब्सिडरी फोर्सेस वाला कि खुद की प्रोटेक्शन के लिए आप आर्मी नहीं रख सकते हो, ब्रिटिशर्स की आर्मी यूज होगी और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आपने पे नहीं किया तो हम आपका एरिया ले लेंगे। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सी टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। इसी तरह सेम चीज अवध में हुई थी, सेम चीज हैदराबाद में हुई, ठीक है। Now, the Nawab Sajuddin Ullah of Awadh with his son and the British resident painted by Tilly Cattle, the treaties that followed the Battle of Buxar forced Nawab Sajuddin to give up much of his authority here. However, he poses in regal splendor, towering over the residents. मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एकदम उनको पोर्ट्रे किया गया है कि वो साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले खड़े हैं रेसिडेंट्स, ठीक है, जिनको ये हक था कि वो क्या कर सकते हैं, इंटरनल मैटर में अफेयर कर सकते हैं, मतलब कहते हैं ना उसे कि बीच में घुस सकते हैं। नाउ टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना भी होगा। द कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब भी कंपनी को लगता था कि उनके लिए कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक
उनके इंटरेस्ट पे कोई थ्रेट है, कोई खतरा है, तो क्या करते थे, डायरेक्टली मिलिट्री को लेके कॉन्फ्रंटेशन करते थे, ठीक है, आमना सामना करते थे। आप इस केस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो साउथ इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर के बारे में, उसके बारे में पढ़ के। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली टू एंड हिज फेमस अब टीपू सुल्तान। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर मैसूर काफ़ी अच्छा ग्रो हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे है मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। ये जो मैसूर था इस पे इसका पूरा हक था, काफ़ी हद तक इसका जो व्यापार होता था मालाबार कोस्ट पे, जहाँ पे कंपनी क्या करती थी, पेपर, मिर्ची और कार्डमम, इलायची वगैरह खरीदती थी, वहाँ पे मैसूर का बहुत कंट्रोल था। 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड डिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया, देखो इनके बारे में हम पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा है ये चीज़। टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट ख़त्म कर दिया, जो चंदन की लकड़ी होती थी, सैंडलवुड, मिर्ची, इलायची, इस सब का मतलब व्यापार बाहर जाना, कि ये बाहर जाएगा, ये बंद कर दिया। प्लस लोकल मर्चेंट्स को मना कर दिया कि वो कंपनी के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान ने जो फ्रेंच थे इंडिया में उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया और आर्मी को बेटर किया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश्ड। ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो भाई हमारे लिए बहुत नुकसान है, ये नुकसान कर रहे हैं, तो हमें तो इनको पूरी तरह से हटाना पड़ेगा यहाँ से। फोर वॉर्स वर फॉट विद मैसूर, चार लड़ाइयाँ हुई मैसूर के साथ। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। सिर्फ लास्ट विक्ट्री में जब कंपनी जीती थी, उससे पहले की सारी हारती थी। टीपू सुल्तान वॉज स्किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलर डायनेस्टी ऑफ वोडियार्स एंड सब्सिडरी एलिमेंट वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट। अब उसके बाद क्या हुआ, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो अपना बचा रहे थे, क्या कहते हैं, कैपिटल को, मैसूर को जो रूलिंग डायनेस्टी थी उसके अंडर डाल दिया गया। प्लस वहाँ पे भी सब्सिडरी एलियंस लग गया कि अगर वो नहीं पे कर पाते हैं जो भी आर्मी के चक्कर में जो भी उनके ऊपर रहेगा, मतलब अगर आर्मी रखने के लिए जो पैसा देना पड़ता है पेनल्टी नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेट को इनको देना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब यहाँ पे है, द कंपनी फोर्सेज वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स। यानी कंपनी की जो फोर्सेज थी काफ़ी बार हारी थी हैदर अली और टीपू सुल्तान से। बट इन 1792 अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मराठास, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड कंपनी, टीपू वॉज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स बाय विच टू ऑफ हिज सन वर टेकन अवे एज होस्टेजेस। नाउ अब क्या हुआ, लास्ट लड़ाई में उनको क्या हुआ, टीपू सुल्तान को अपने दो बच्चों को एज होता ना बंदी बना के भेजना पड़ा, क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम, कंपनी और जो मराठा थे सब ने इकट्ठा मिलके उन पर लड़ाई की थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जीत गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत टाइम तक काफ़ी अच्छा उनसे लड़ाई की। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पजेस्ड। यू कैन सी अ टाइगर मॉलिंग अ यूरोपियन सोल्जर, व्हेन इट्स हैंडल वॉज टर्न द टॉय टाइगर रोड एंड सोल्जर श्रीट। This toy tiger is now kept in the Victoria and Albert Museum in London. The Britishers took it away when Tipu Sultan died defending his capital Seringapatnam on. ये एक toy था टीपू सुल्तान के पास, जिसमें टाइगर और एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ठीक है। तो वो उसको इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और जैसे ही आप उसको हैंडल को हिलाते हो तो क्या होता है, वो टाइगर रोर करता है, मतलब आवाज़ निकालता है, और जो सोल्जर है उसके डरने की आवाज़ आती है। अब ये टाइगर विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है लंदन में, जिसको ब्रिटिशर्स जस्ट टीपू सुल्तान की डेथ के बाद ले गए थे, जो वो अपना जो कैपिटल था उसको प्रोटेक्ट करते करते उनकी डेथ हुई थी। द लीजेंड ऑफ टीपू के बारे में लिखा है, किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लीजेंड्स एंड देयर पावर ग्लोरिफाइड थ्रू फोल्कलोर। हियर इज अ लीजेंड अबाउट टीपू सुल्तान हु बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1782। यानी लोगों की बातें, कहानियाँ, इस सब से हमें पता चलता है कि किसी भी राजा ने या किंग ने कैसा काम किया, या उसकी जो ब्रेवरी होती है वो फोल्कलोर के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, पोएम के थ्रू बताई जाती है। तो इट इज़ सेड दैट वंस ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद अ फ्रेंच फ्रेंड। ऐसा बोला जाता है कि एक बार वो हंट करने के लिए गए थे फॉरेस्ट में, शिकार करने के लिए अपने एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ। देयर ही केम बैक टू फेस विद अ टाइगर। और वहाँ वो वापस, मतलब उन्होंने क्या किया, सामना किया एक टाइगर का।
His gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled until the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the tiger of Mysore. He had the image of the tiger on his flap. मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिससे वो मारने वाले थे टाइगर को, वो गिर गया था, बट स्टिल उन्होंने अपने हाथों से ही टाइगर से लड़ाई करी और फाइनली उस टाइगर को हरा दिया था. उसके बाद से उनको टाइगर ऑफ माइसोर बोला जाने लगा था और जो उनकी खुद की टाइगर मतलब फ्लैग था उस पर टाइगर की इमेज थी. तो ये टीपू सुल्तान के बारे में था. उसके बाद हम लोग जो वॉर विद मराठाज है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट टीपू सुल्तान, किस तरह से उन्होंने एक तरह से हटाने की कोशिश करी, उस रूल को थोड़ा कम करने की कोशिश करी ईस्ट इंडिया कंपनी के, और कंपनी ने किस तरह से अपना जो सब्सिडरी एलियंस था उसको यूज़ करके अपने किंगडम को बढ़ाया, वो हमने पढ़ा. तो ये हमारा पार्ट 3 था, हिस्ट्री चैप्टर 2 8th क्लास का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8th क्लास की प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे या होम पेज पे जाके 8th क्लास के अंडर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर्स मिलेंगे. थैंक यू सो मच.